Okay, let me answer this. I want to, you know, tell and ask those people. फिर लोग कहते हैं अच्छा दोबारा भी problem. ऐसा हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुझ में guts है कि अगर दोबारा problem हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे. मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे इसका फ़र्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँगा. और कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग होंगे घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है. उससे अच्छी हूँ ना मैं, उससे बाहर आके बोला ना डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू. सो आई डोंट वांट टू स्टे एंड आई डोंट वांट टू डू इट. आई विल डू व्हाट इज़ राइट विदाउट केयरिंग व्हाट यू पीपल थिंक और व्हाट यू पीपल विल राइट अबाउट मी. और मैं, मुझे लगता है कि हाँ यू आर राइट. मैं एक ऐसा स्टैंड खड़ा करूँगी उन औरतों के लिए जो डरती हैं कि दोबारा अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या कहेंगे. वो कुड़ती रहेंगी, डरती रहेंगी, बच्चों को अच्छा ग्रोथ नहीं देंगी क्योंकि ये डर से कि पड़ोसी उनके बारे में क्या कहेंगे. सो लेडीज़ कम आउट ऑफ दिस पेन एंड डोंट केयर अबाउट देम. और मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि आपको थोड़ा जवान बंदा नहीं मिला दुल्हन बनने के लिए, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये डैड की दुल्हन का कॉन्सेप्ट है तो हाँ. और दूसरी कमेंट मिली है कि आप लोगों ने जो ये मैच्योर लव स्टोरी दिखा रहे हैं, ये जो टीवी पे बहुत कम आता है, ये भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. लोगों ने बहुत मैसेज किया है कि आपने जो मैच्योर लव स्टोरी बनाई है वो बहुत अच्छा है, कमेंडेबल. और मियाँ को बहुत पसंद किया जा रहा है. हर कोई कह रहा है कि बहुत क्यूट लड़की है. सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मियाँ आपकी बड़ी क्यूट है, आप प्लीज़ उसके साथ कोई फोटो पोस्ट कीजिए. सो दे कीप कॉलिंग मी फॉर हर. मेरा तो डेब्यू है तो ऑफकोर्स सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब खुश है. और काफ़ी रैंडम लोगों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, सो आई एम लविंग इट. बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज यू नो व्हाट, आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर टेलीविजन, लेकिन अच्छे अच्छे शोज़ का कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज ने मुझे अप्रोच किए हैं नए नए शोज़ के लिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती थी कि शोज़ की स्टोरी अच्छी होती थी बट एज अ कैरेक्टर जो मुझे प्ले करना है अगले साल दो साल के लिए उसमें कुछ खास नहीं होता था. मुझे पता होता था कि दो या तीन महीने में मैं बोर हो जाऊँगी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हाँ कहने के लिए. लेकिन ये मुझे पता है कि तीन महीने तक तो मैं डिस्कवरी करती रहूँगी कि इसमें करना क्या है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या निकलेगा. सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. सो आई हैड टू से यस फॉर दिस. कि जैसे आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप की है, सब चीज़ एकदम हैप्पीली देखती है, तो जिस तरह आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी उस तरह का रियल लाइफ में होना, तो क्या कहेंगे कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये टास्क है आपके? बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कई बार अभी जबकि हमने कितने सीन्स बीच में किए हैं, मतलब हम टेलीविज़न में जब नया शो बन रहा होता है तो हम फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड करके नहीं जाते हैं. हम रैंडम सीन शूट करते हैं. रैंडम सीन्स में इतना डिफिकल्ट होता था कि इतना बड़ा क्राइसिस है उसके सर पे, लेकिन फिर भी वो हंसे कैसे, फेक ना लगे, इरिटेटिंग ना लगे, फिर कन्विंसिंग भी लगे, फिर मतलब वो रिटार्डेड ना लगे, ये सब सोचकर मुझे बहुत डिफिकल्टी से गुजरना पड़ा. मैं बार बार प्रीति को या दिया को फ़ोन ही करती रहती हूँ कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो जब भी मैं शूट करती हूँ दिया या फिर प्रीति या कोई ऐसा क्रिएटिव बंदा वहाँ पे रहता है ताकि मैं डर ना जाऊँ इस कैरेक्टर को लेकर. सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पोर्ट्रे. सर आप क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से मॉडिफिकेशन वाली बात है इसको किस तरह से जस्टिफिकेशन मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा आप अपने ऐड ऑन कर देते कमेंट्स या जो भी होते डायलॉग्स, यार मोटिवेशन का तो पता नहीं, बट मेरे ख्याल से अगर कैरेक्टर एक बार समझ में आ जाए ना तो हर कैरेक्टर का अपना एक लिंगो होता है, उसके बात करने का एक तरीका होता है. और मेरा हमेशा से ये मानना है कि अब तो क्योंकि मैंने खुद भी करके देख लिया लिख लिखा के और एयर भी हो गई ये चीज़, तो लिखने के बाद जो है ना कभी कभी आपको बिल्कुल डिसोसिएट करना पड़ता है अपनी लेखनी के साथ, अपने लिखे हुए मटेरियल के साथ, क्योंकि एक्टर जब एक्टिंग करना शुरू करता है तो ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग में आती हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शूटिंग करते हुए बदल जाती हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको देयर इज़ अ सर्टेन परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी दैट वन हैज़ टू मेंटेन. बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं, आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं इधर उधर. कुल मिलाकर ये है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगना चाहिए.
मतलब ये जो कैरेक्टर जो मैंने देखा है उसमें ये देखा है कि ये अनोइंग कैरेक्टर है लेकिन अनोइंग लगता नहीं है, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगता है, इरिटेटेड रहता है लेकिन उसे देखकर आपको खुशी मिलती है, तो ये यूनिक है अंबर के बारे में. सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस. बेचारी को सीखने का मौका ही नहीं मिला अभी तक. एक्चुअली हमारे इतना सीन्स हुए नहीं है तो डैड के साथ ही ज़्यादा हुआ है. इनसे तो मैं इम्प्रोवाइजेशन सीख रही हूँ और थोड़ा और ट्राई करूँ. प्लान करके आई थी नहीं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक सर्टन टोन में बोल रही हूँ तो उनके लाइक ही इज ऑलवेज सजेस्टिंग कि ये तो थोड़ा ऐसे कर सकती है, कभी स्क्रिप्ट से ही मार देंगे नहीं ये ऐसा कर. सो आई थिंक इट्स आई एम लविंग इट क्योंकि इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं तो मुझे बहुत सीखने मिल रहा है. इट्स लाइक अ कोचिंग क्लास फॉर मी बेसिकली. तो बस ये देखो अल्टीमेटली जितने भी साल हम लोग काम करेंगे जो कुछ भी सीखा है हम लोगों ने अपने पहले वाले से वो साथ लेके जाके तो कुछ फ़ायदा है नहीं. जो यहाँ से उठाया है उसको यहीं पे छोड़ के चले जाओ ज़्यादा बेहतर है. एनीबडी वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट दे आर वेलकम. मतलब ऐसे भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि मतलब जिनको ज़रा परेशानी होती है इस चीज़ से, लेकिन आई डोंट थिंक उससे डेटर होने की ज़रूरत है. मतलब अगर कोई आपका कमेंट या कोई एक सुझाव किसी को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकता है तो फिर क्यों ना किया जाए. कॉन्सेप्ट के बारे में ये कहना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इस देश में, हमारे आस पड़ोस में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. अगर आप रेशियो देखेंगे तो आजकल सिंगल पेरेंटिंग ज़्यादा हो रही है साथ के बजाय. और हमारे इस सोसाइटी में एक और नोशन है कि 40 के बाद आपको प्यार हो रहा है, मतलब यू डेटिंग समवन एट 40, गेटिंग मैरिड एट 50, इट इज़ नॉट पॉसिबल. एक टैबू है कि अगर आपने अपना 25 साल क्रॉस कर लिया है, अगर आपने अपनी जवानी छोड़ दी है, सो यू कॉन्ट फॉल इन लव. कुछ नीड्स टू यू नो पीपल नीड टू चेंज देयर यू नो द थिंकिंग अबाउट दिस प्लेस. एवरीबडी नीड्स कंपेनियन. एवरीबडी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है तो यू कॉन्ट फॉल इन लव. सो आई थिंक हमारा शो आएगा तो कोई ऐसे 40-50 के लोग होंगे हु माइट गो आउट एंड फाइंड लव. सबसे पहले तो यही बात कि 40-45 की उम्र के कैरेक्टर्स की कहानी है और उस उम्र के लोग जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ पे मतलब 20 के उठाते हैं और 40 के दिखाते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू शो देयर एक्टर्स ओल्ड. सो दैट इज आल्सो मतलब कुछ एक जगहों पे तो एज लीव ले लेके कुछ एक कैरेक्टर्स की उम्र ऐसी हो गई थी कि मतलब बीच में पितामह को गंडा बंधवा लेना चाहिए था उनसे. प्रेरणा मैंने 25 पे 80 का प्ले किया था. सो आई वाज 25 एंड आई वाज प्लेइंग 80 इयर्स ओल्ड. सो दिखती है 80 किसी भी कोने से. रेवोल्यूशन नहीं है ये, एक मैं बात बताऊं, यही सच है, ऐसा ही होना चाहिए था. रेवोल्यूशन तो हम तब लेकर आ रहे थे जब 20-25 साल की लड़कियों को जो है हम 60-65 का दिखाना हमने शुरू किया. कई चीज़ें जो है वो आपको एज जो है ना वो मतलब अगर कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है, एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर कि ये धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाए, यू कैन बी प्लेइंग 80 और आपके सर पे खिजाब लगा हुआ है, आपकी स्किन पे आपकी उम्र नज़र नहीं आ रही है, वो तो वो झूठ था जो कि हम लोग बेच रहे थे इतने समय से. तो रेवोल्यूशनाइज तो हम वहाँ करने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय के बाद जो है विजन या विजुअल्स जो है वो बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करते, आप कुछ भी दिखाएंगे और लोग जो है उसको हाथों हाथ ले लेंगे. वी आर एक्चुअली वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक कि जो कैरेक्टर जिस उम्र का है वो उस उम्र का कैरेक्टर है वही प्ले कर रहा है. तो एक्चुअली इसमें रेवोल्यूशनाइज करने वाली चीज़ नहीं, ये सच है जो हम लोग देख रहे थे वो रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश थी जो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक आधे घंटे पहले जब दिया कोर्ट से आई है वो कॉन्ट्रोवर्सी भी ख़त्म हो चुकी है. मतलब हम केस जीत चुके हैं, हमारा शो आज 10 बजे ऑन एयर जाएगा बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी.